मूवी के स्टार्ट में हमें डॉक्टर सुसैन को दिखाया जाता है जो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए काम किया करती थी और वो डिजीज को खत्म करने के लिए एक रिसर्च पर काम कर रही थी। मगर कंपनी के ओनर्स उसको ये रिसर्च खत्म करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे और कोई भी रिजल्ट उनके हाथ में नहीं आया था। तो डॉक्टर सुसैन उनसे 2 दिन का टाइम मांगती है और कहती है कि 2 दिन में मैं आप लोगों को रिजल्ट दूंगी। और अब हम सुसैन और उसके साथ उसके हेड को देखते हैं जिनको वो अपनी रिसर्च फैसिलिटी पर लेकर जा रही थी जो बिल्कुल समंदर के बीच में बनी हुई थी। वहाँ पर डॉक्टर सुसैन की कंपनी का जो ऑनर था उसको बायोलॉजिस्ट वेलकम करती है। वो बायोलॉजिस्ट इनको अपनी सारी रिसर्च फैसिलिटी दिखाती है। वहीं पर वो ऑनर एक आदमी को पानी में देखता है जो शार्क का ख्याल रखा करता था। इसका नाम कार्टर था। वो कार्टर को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। बायोलॉजिस्ट उस ऑनर को बताती है कि ये नॉर्मल शार्क है मगर जिन पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी है और उनको अलग रखा गया है। वो बायोलॉजिस्ट ऑनर को आगे रिसर्च फैसिलिटी दिखाती है। वो उसको बताती है कि इस रिसर्च फैसिलिटी में 3 लेवल्स हैं। लेवल 1 पर ग्रुप मेंबर्स रहते हैं जबकि लेवल 2 पर लैब और शार्क्स हैं और लेवल 3 पर पूरी एयरलॉक फैसिलिटी बनाई गई है जहां पर हम उन शार्क को लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब यहां पर हमें पता चलता है डॉक्टर सुसैन जो डिसीज पर रिसर्च कर रही थी वो दरअसल शार्क के माइंड में एक प्रोटीन था क्योंकि शार्क अगर बूढ़ी भी हो जाती हैं तो ना तो उनको आईसाइट की प्रॉब्लम होती है और ना ही वो वीक होती हैं। इसके बाद लेवल 1 पर हमें कुक दिखाया जाता है जो वहाँ पर सब लोगों के लिए डिनर तैयार कर रहा था। अब जब रात को कार्टर शार्क को खाना देने के लिए जाता है तो वो देखता है जो 2 बड़ी शार्क थी वो एक छोटी शार्क को खा रही थी। कार्टर फौरन से जाकर डॉक्टर सुसैन को बताता है और कहता है कि हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए। मगर डॉक्टर सुसैन कार्टर की कोई भी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि अगर हमने कल ये एक्सपेरिमेंट ना किया तो हमें ये पूरी रिसर्च फैसिलिटी बंद करनी होगी और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब जो कंट्रोलर रूम की हेड थी वो ये देखती है कि आज मौसम खराब रहेगा और तूफान आने के भी चांसेस हैं। शाम होते ही ये लोग लेवल 3 पर टेस्ट करने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। कार्टर टनल से होता हुआ एक शार्क को बेहोश कर लैब में ले आता है। वो शार्क बहुत ज्यादा बड़ी थी। डॉक्टर उस शार्क का स्कैन करते हैं। इसके बाद डॉक्टर सुसैन उस शार्क के माइंड में से वो प्रोटीन निकाल लेती है। फिर वो ड्रॉप पेशेंट के माइंड ब्रेन पर डालते हैं जिसके बाद कुछ ही सेकंड्स में वो प्रोटीन अल्जाइमर को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये था कि उनकी रिसर्च कामयाब हो गई थी। वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए थे। वहाँ पर डॉक्टर शार्क को देख ही रहे थे तभी अचानक से वो शार्क होश में आ जाती है और डॉक्टर का हाथ खा जाती है। उस डॉक्टर के बाजू से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। जब कार्टर ये देखता है तो वो एक गन लेकर उस शार्क को मारने जाता है मगर डॉक्टर सुसैन उस शार्क को छोड़ देती है। वहाँ पर दूसरी तरफ जो कंट्रोलर ऑपरेटर की हेड थी वो हेल्प मांगती है। एक हेलीकॉप्टर हेल्प के लिए आ जाता है। तूफान बहुत ज्यादा तेज था। वो हेलीकॉप्टर उस डॉक्टर के स्ट्रेचर को रस्सी से बांधकर ऊपर खींचता है और जो बाकी लोग थे वो उस तूफान से बचकर वापिस से अपनी रिसर्च फैसिलिटी में अंदर आ जाते हैं। तभी जो हेलीकॉप्टर जो डॉक्टर को लेकर जा रहा था उसकी रस्सी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वो रस्सी लूज हो जाती है से वो डॉक्टर पानी में ही गिर जाता है। उस स्ट्रेचर को एक शार्क पकड़ लेती है और उसको अपनी तरफ खींचती है जिससे वो हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और डायरेक्ट जाकर कंट्रोल टावर से टकरा जाता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में कंट्रोलर ऑपरेटर की हेड थी वो भी मर जाती है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि इसने हर लेवल को हिला कर रख दिया था और उनके रखे हुए प्लेन्स और बोर्ड भी इस ब्लास्ट में तबाह हो गए थे। लैब में देखते हैं कि वो शार्क उस डॉक्टर के स्ट्रेचर को एक मिरर पर मार देती है। वो शीशा टूट जाता है। उस शीशे के टूटते ही इनके लैब में पानी आने लगता है मगर तभी ये लोग किसी न किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं मगर इनका लैब पूरा का पूरा पानी में डूब चुका था। अब ये लोग लेवल 2 पर जाने की तैयारी करते हैं तभी ये देखते हैं कि स्टेयर्स में भी पानी आ चुका था और एलिवेटर भी काम नहीं कर रही थी और अब इनके पास ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हम उसी कुक को देखते हैं। ये लेवल 1 पर था और चेक करने के लिए जा रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और तभी अचानक से वहाँ पर भी पानी आ जाता है। लेवल 1 भी सारा का सारा डूब गया था
और लेवल वन में एक शार्क भी आ गई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर सुसैन और उसके साथ बाकी जो उसके साथी थे वो नीचे रास्ता ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से उनको एक डोर पर पता चलता है कि शार्क उस डोर को तोड़ना चाहती है। कुछ ही देर में शार्क उस डोर को तोड़ देती है और वहाँ पर भी पानी भरने लगता है, मगर ये लोग एक सेफ जगह पर पहुँच जाते हैं। अब ऑनर को ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शार्क ऐसा कैसे कर सकती है, और ना ही कार्टर इन सब के बारे में जानता था जो शार्क का ख्याल रखा करता था। तभी वो ऑनर सुसैन से कहता है कि मुझे सच सच बताओ, आखिर शार्क ऐसा क्यों कर रही है, तुमने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कुछ किया है। तो यहाँ पर सुसैन ये रिवील करती है कि शार्क का माइंड इतना बड़ा नहीं होता, तो उसमें से इतना ज्यादा प्रोटीन निकालना इतना आसान नहीं था। तो इस वजह से डॉक्टर सुसैन ने और दूसरे डॉक्टर ने मिलकर इलीगल तौर पर उसके माइंड को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बड़ा किया ताकि ये हमें ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड कर सके, और यही वजह है कि ये शार्क ज्यादा स्मार्ट हो गई है। तभी दूसरी तरफ लेवल वन पर हम उसी कुक को देखते हैं जिसको अचानक से शार्क नजर आती है। वो शार्क उसके पीछे आ रही थी, ये किचन में जाकर छुप जाता है और ये एक शेल्फ पर चढ़ जाता है। शार्क भी किचन में एंटर हो गई थी। तभी उस कुक को अपना पैरेट नजर आता है, वो अपने पैरेट को बचाना चाहता था, मगर तभी अचानक से शार्क आकर उसके पैरेट को खा जाती है। ये देख कर वो कुक बहुत ज्यादा डर गया था और नीचे गिर जाता है। शार्क दोबारा से उस कुक के पीछे आती है, मगर वो कुक इस बार ओवन में छुप जाता है। शार्क जब उसको खाने वाली थी तभी वहाँ पर ओवन की गैस ऑन हो जाती है। वो कुक अपने आप को बचाने के लिए ऊपर का दरवाजा तोड़ता है और बाहर आ जाता है, और वहाँ से वो दूर चला जाता है। वो अपने पास रखे हुए लाइटर को उस ओवन पर फेंक देता है जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और वो शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कार्टर और बाकी सब लोग वो सबमरीन रूम की तरफ आते हैं, मगर तभी वो आकर देखते हैं कि सबमरीन भी टूट चुकी थी ब्लास्ट होने की वजह से। यहाँ पर ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी वहाँ पर जो इंजीनियर था वो डॉक्टर सुसैन से लड़ने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो ऑनर उन्हें कहते हैं कि तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि तुम्हें टीम की तरह वर्क करना होगा क्योंकि यही रास्ता है, हम सब यहाँ से बचकर जा सकते हैं। इससे पहले वो ऑनर अपनी बात खत्म करता तभी पीछे से पूल से शार्क निकल कर आती है और दोनों शार्क मिलकर उस ऑनर को खा जाती हैं। ये सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी ये लैडर से बाहर निकलने लगते हैं। उसका हवा का प्रेशर इतना ज्यादा तेज था पूल का पानी उस रूम में भरने लगता है। कार्टर और वो इंजीनियर दोनों मिलकर अब उस रूम को बंद कर देते हैं और फिर ये आगे लेवल वन की तरफ जाने लगते हैं, पर वहाँ पर भी शार्क आ जाती है। वो डोर को तोड़ देती है और उनका पीछा करती है। कार्टर को एक आइडिया आता है, वो लेवल टू का दरवाजा खोलने जाता है ताकि सारा पानी लेवल टू के अंदर चला जाए और उन लोगों को ऊपर जाने का टाइम मिल जाए। अब ये लोग एक लेडर सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ी रहे होते हैं, तभी वो सीढ़ी टूट जाती है और जो बायोलॉजिस्ट थी वो पानी में गिर गई थी। कार्टर उस बायोलॉजिस्ट की हेल्प करने की कोशिश करता है, मगर तब तक शार्क ने उसको पकड़ लिया था और खा गई थी। वो तीनों ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। ये तीनों अब बीच में ही फंस चुके थे क्योंकि लेवल वन का डोर बहुत ज्यादा ऊंचा था और इनकी सीढ़ी भी टूट चुकी थी। तभी वहाँ पर वो कुक आ जाता है, वो इन तीनों को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद यहाँ पर कार्टर सबको बताता है कि हम सरफेस से 60 फीट नीचे हैं। अगर हम इमरजेंसी पंप को ऑन कर देते हैं तो स्टेयर्स का जो पानी है वो वापस चला जाएगा। कार्टर अपने साथ इंजीनियर को लेकर पंप ऑन करने के लिए जाता है। वो इंजीनियर पंप ऑन कर देता है, मगर जैसे ही वो पंप ऑन करता है एक शार्क आकर उसको खा जाती है, उसके दो टुकड़े कर देती है। कार्टर वहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया था। अब इससे पहले वो दूसरे रास्ते से वापस जाता वो एक और दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे से बाहर आ जाता है। वहीं पर हम डॉक्टर सुसैन को देखते हैं जो कुक से कह रही थी कि मुझे अपना डाटा लेने के लिए अपने रूम में जाना है। सुसैन देखती है कि वो जगह डूब चुकी थी। वो उस जगह से अपने रूम में आती है जहां पर उसको डाटा मिल जाता है, मगर तभी एक शार्क उसकी तरफ बढ़ रही थी। सुसैन उस शार्क से बचने के लिए एक शेल्फ पर चढ़ जाती है, मगर इन सब चक्रों में डॉक्टर सुसैन का डाटा पानी में ही गिर गया था। शार्क डॉक्टर सुसैन पर अटैक करने वाली थी, मगर तभी वो वहां से एक इलेक्ट्रिक वायर को निकालती है और उस शार्क के
मुंह में डाल देती है, जिससे शार्क को एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो मर जाती है। मगर उस शॉक की वजह से डॉक्टर सुसैन का डेटा भी सारा का सारा जल जाता है। इसके बाद हम कार्टर को देखते हैं, जो दूसरे रास्ते से लेवल 1 तक पहुंच गया था और वो कुक उसको अकेला देखकर ये समझ गया था कि बेचारा इंजीनियर भी मारा गया। इसके बाद ये कुक के साथ एक चैम्बर में जाते हैं, तो वो वहाँ पर एक सरफेस को ऑन कर देते हैं, जिससे उसका प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है और शार्क उसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ये लोग भी ऊपर की तरफ आ गए थे, मगर जैसे ही ये लोग ऊपर की तरफ आते हैं तो शार्क उस कुक का पाँव पकड़ लेती है, मगर वो कुक हार नहीं मानता। वो शार्क की आँख में अपने लॉकेट से अटैक करता है और शार्क उसको छोड़ देती है। कार्टर जैसे ही उस कुक को पानी के ऊपर देखता है तो जल्दी से वो उसको बचाकर वापस ले आता है। सुसैन उसको फौरन से फर्स्ट एड देती है। पूरी की पूरी फैसिलिटी पानी में डूब रही थी। कार्टर कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। शार्क अब फेंसिंग एरिया से बाहर जाना चाहती है। यहाँ पर सुसैन को भी अपनी गलती का अंदाजा हो गया था और वो अब कार्टर से कहती है कि इस शार्क को मार दो। वो जब देखते हैं तो शार्क फेंसिंग एरिया को तोड़ रही थी, तो कार्टर वहाँ पर जल्दी से अपनी गन लाता है और अपनी गन में डायनामिक पाउडर भर देता है। तो वो कहता है कि जैसे ही वो शार्क को अटैक करेगा तो तुम इस वायर को बैटरी से अटैच कर देना, जिससे कि वहाँ पर ब्लास्ट होगा और शार्क मर जाएगी। कार्टर उस शार्क को शूट करने के लिए जाता है, मगर वो शार्क बहुत ज्यादा दूर थी और शार्क उस केज को तकरीबन तोड़ चुकी थी, जिसमें इन्होंने शार्क को कैद किया हुआ था। अब सुसैन यहाँ पर एक टुकड़े से अपना हाथ काट लेती है और पानी में कूद जाती है, ताकि ब्लड की स्मेल से वो शार्क इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। शार्क भी अब सुसैन की तरफ बढ़ रही थी। कार्टर सुसैन को बचाने के लिए भागता है। सुसैन के नारे पर आकर एक स्टेयर को पकड़ने लगती है, मगर जैसे ही वो स्टेयर पकड़ती है वो टूट जाता है, जिस वजह से सुसैन पानी में गिर जाती है और वो शार्क सुसैन को भी पकड़ कर खा गई थी। कार्टर जब सुसैन को बचाने के लिए पानी में कूदता है तो शार्क उस पर भी अटैक करने लगती है। कार्टर उस शार्क को कसकर पकड़ लेता है। वो शार्क अपने आप को छुड़वाने के लिए बहुत तेजी से पानी में स्विम करती है। दूसरी तरफ वो कुक उस गन तक पहुंच गया था। वो उस शार्क पर निशाना लगाता है। जैसे ही उस शार्क पर निशाना लगता है तो कार्टर कहता है कि इसकी वायर को बैटरी के साथ जोड़ दो। कार्टर खुद को उस शार्क से छुड़वा लेता है और केज को वहाँ पर पकड़ लेता है। कुक जैसे ही उस वायर को बैटरी के साथ अटैच करता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे कि उस शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और कुक ये देखकर खुश हो गया था कि कार्टर जिंदा है। कार्टर उस कुक के पास पहुंच जाता है और दोनों रेस्ट करने लगते हैं। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।